Hi, good afternoon. Well, I was just about to sing something for my music channel when Kochi decided to join me. Basically, she was sleeping behind the curtains by the window. That's a favorite sleeping spot. I do not know why, but now here she is right next to my tripod. And honestly, I'm a little scared of tripods. You know, the phone flips out and I don't want that to fall on her because she's way too small and she won't be able to take the load. But then each time I'm moving her, she's coming here. So she is a very, very ardent listener of mine and I'm so, so blessed to have her. So abhi chalo kuch record karenge. And here she is. उसको शायद समझ में आ गया कि उसी के बारे में बात हो रहा था. मम्मा एंड शी सो वेल बिहेव. किसी को काटती नहीं है, कुछ नहीं करती है. शी जस्ट वॉन्ट्स टू प्ले स्लीप एंड रिपीट. हाई एंड वेलकम टू माई चैनल सिमरन कनेक्ट्स. हियर्स कोची एंड ये वीडियो इसी के बारे में होने वाला है. बेसिकली शी इज़ आर न्यूएस्ट फैमिली मेम्बर. हाउ वी गॉट हर एंड एवरीथिंग दैट हैज़ बिन हैपनिंग एवर सिंस वी गॉट हर. सो ऑन द 16th ऑफ अक्टूबर माई मॉम हर्ड अ किटन क्राइंग वेरी नियर बाई. सो वैन शी ओपन द डोर शी फाउंड हर एट आर डोर स्टेप एंड उसके आईज में इन्फेक्शन था कुछ. सो ऑब्वियसली वी वर नॉट इन अ पोजिशन टू कीप हर इन एज अ पेट बिकॉज फर्स्टली उसके गले में एक रिबन था. सो दैट इंडिकेटेड किसी की वो पेट थी. मे बी समवन अबंडन्ड हर और शी गॉट लॉस्ट. वी हैव नो आइडिया. एंड सेकेंडली मे बी द मामा कैट वॉज समवेयर अराउंड. सो वी थॉट मे बी वो वापस चली जाएगी बट वो नहीं गई. सो आफ्टर सम टाइम आई थिंक इट वॉज अराउंड 6:30 और 7 व्हेन मॉम केम बैक फ्रॉम वर्क शी आस्क्ड आवर हाउस हेल्प टू गिव हर सम हीटेड मिल्क एंड दिस बेबी फिनिश्ड ऑफ द एंटायर मिल्क इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स. शी वॉज सो सो थर्स्टी एंड बहुत छोटी है. सो वी कुड नॉट गिव हर एनीथिंग एल्स बट लेटर वी गॉट टू नो कि इनको काउ मिल्क नहीं देना होता है. सो दैट्स अ होल न्यू थिंग. सो बट तब के लिए वी डिडंट हैव एनीथिंग एंड वी इवन गेव हर अ शू बॉक्स विथ अ टावल सो दैट शी कुड टेक शेल्टर लाइक राइट आउटसाइड अ डोर फॉर द नाइट एंड शी वॉज देयर. नेक्स्ट मॉर्निंग वेन द हाउस हेल्प वेंट यू नो विथ सम मिल्क फॉर हर शी वॉज गॉन. एंड पता नहीं हम लोगों को बहुत ख़राब लग रहा था बिकॉज शी वॉज सो सो स्मॉल एंड मी एंड अ दीदी ऑफ माइंड वेंट हंटिंग फॉर हर इन द एंटायर लोकेलिटी बट वो कहीं पर नहीं मिली. एंड ऑनेस्टली आई वॉज हार्ट ब्रोकन. हम लोग उसको मतलब शी विल बी इन आर हाउस इट वॉज बियॉन्ड आर इमेजिनेशन बट हम लोग उसको खिलाना चाहते थे कुछ बिकॉज शी वॉज स्टार्विंग द वे शी केम द नाइट बिफोर. सो वी कुड नॉट फाइंड हर एंड एनी वेज आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि शी इज सेफ एंड शी इज़ इन सेफ हैंड्स. एंड इट वॉज अराउंड 12 इन द आफ्टरनून दैट डे. आई वॉज जस्ट लॉयटरिंग अराउंड एंड मैं बैल्कनी में गई. बस ऐसे ही मैं इधर उधर देख रही थी होपिंग कि यू नो आई कुड गेट अ ग्लिम्स ऑफ हर समवेयर एंड ब्रिंग हर बट शी वॉज नो वेयर टू बी सीन. फिर मैं अंदर आने ही वाली थी मैंने सॉ अ टेल एंड आई लिटरली रश डाउन स्टेयर्स. आई टोल्ड माई दीदी कि शी इज़ राइट हियर. मतलब पास वाले घर के बाहर ही वो बैठी थी बेचारी एंड शी कैरीड अ डिस्पोजेबल टावल एंड गॉट हर. वी गेव हर अ क्विक शावर एंड क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया था कि जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है और मे बी शी फाइंड्स अ वे बैक टू हर ओरिजिनल प्लेस वी विल गिव हर शेल्टर फॉर द नाइट एटलीस्ट. क्योंकि दैट डे वेन वी गॉट हर बैक आई वॉज लिटरली लुकिंग आफ्टर हर पूरा दिन. आई वॉज इन द बैल्कनी डाउन स्टेयर्स एंड ये इतना इतना छोटी है कि हर सेंसेज आर ऑल्सो नॉट एज येट डेवलप्ड. वो रस्ते के बीच में जाके बैठ जा रही थी. बाइक्स वर कमिंग एंड ऑल. सो इट वॉज वेरी स्केरी एंड आई जस्ट कुड नॉट बी एट पीस बाई कीपिंग हर आउटसाइड एंड माई मॉम इज़ वर्किंग 24/7. सो दैट डे पास बाय एंड दैट वॉज द नाइट वी डिसाइडेड कि ये अंदर ही रहेगी एंड शी केम इनसाइड विच वॉज वेरी वियर्ड. शी वॉज लिटरली लॉयटरिंग अराउंड पूरा डे बट शी केम इनसाइड दैट नाइट. सो शी वॉज हियर एंड आई थिंक दैट वॉज द डे वेन वी रियलाइज दैट शी हैज़ कम टू अस. सो वी कांट
जस्ट लीव हर एंड अगर किसी की थी भी तो द फर्स्ट थिंग माई मॉम हैड एक्चुअली डन वॉज टू कट ऑफ हर दैट रेड रिबन बिकॉज यू नो इट माइट हर्ट हर इट वॉज क्वाइट टाइट सो एनी वे सो द नेक्स्ट मॉर्निंग द फर्स्ट थिंग वॉज टू गेट हर लैक्टोज फ्री मिल्क सो मी एंड ड्राइवर भैया रश टू अ वेट स्टोर एंड pet store sorry and got her a milk basically cats are lactose intolerant so you're not supposed to be giving them cow milk in case you guys feed street cats and dogs kudos to you but milk mat dena cats ko like only give the milk which is meant for them which does not contain lactose or else it can cause diarrhea so we got her that milk powder and the next thing was to get hold of a vet kyunki iska vaccinations and if she's healthy and all eyes ke liye my mom got a drop for her the very night she came at our doorstep by consulting her friend and she healed the very next day so इट वॉज़ अ मिरेकल क्योंकि उसके आइज़ का हालत बहुत ख़राब था सो येस आर ड्राइवर भैया एक्चुअली डिस्कवर्ड हर वेट इट इज़ कॉल्ड द प्लेस इज़ कॉल्ड पेट्स नेशन आई विल पुट द पोस्टर हियर एंड इट वॉज़ अ ब्लेसिंग दे आर जस्ट सो सो गुड द डॉक्टर जिस आंटी का वो जगह है द भैया दे आर सो गुड वी फाइनली टुक कोची देयर आफ्टर टेकिंग एन अपॉइंटमेंट तो वैक्सीनेशन अभी नहीं होता है पहले तो इसका डिवॉर्मिंग चलेगा एंड सो डॉक्टर सेड दैट अदरवाइज शी इज़ फाइन एंड ऑल एंड या एंड हर नेम इज़ कोची बिकॉज माई मॉम नेम्ड हर कोची इंस्टेंटली बिकॉज इतना छोटी साइज़ की है बट हम लोगों ने सोचा था बाद में कुछ और नाम देंगे बट वो हुआ नहीं बट एनी वेज आई थिंक कोची जस्ट सूट्स हर सो सो वेल एंड येस कोची इज़ नाउ ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक सो इन केस यू वॉन्ट टू सी हर डेली एक्टिविटीज़ एंड यू नो जस्ट हर लाइफ प्लीज़ गो एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड लाइक हर फेसबुक पेज शी टू विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड सो डॉक्टर के पास से हम आए थिंग्स वर गोइंग प्रिटी वेल बट सून कोची फेल वेरी सिक ऑन अष्टमी शी वॉमिटेड ट्वाइस ऑल ऑफ अ सडन एंड वो पूरा लेट चुकी थी लाइक फॉर अ मोमेंट वी थॉट दैट वी लॉस्ट हर इट वॉज सो सो पेनफुल एंड पूजा का टाइम था सो वी डिडंट हैव एनी ड्राइवर और एनी थिंग एंड मोर देन दैट सारे वेट्स तो अवेलेबल भी नहीं रहते हैं बट वेन वी कॉल्ड अप द डॉक्टर ही टोल्ड दैट शी नीड्स सलाइन शायद कुछ इन्फेक्शन हुआ है एंड उसका पास्ट किसी को पता नहीं है राइट वेयर शी वॉज हाउ शी वॉज सो मे बी सम रिएक्शन और वट एवर एंड सो ही सेड दैट शी नीडेड सलाइन इमीडिएटली सो जो आंटी जिनका शॉप है वही सलाइन देती है वी कॉल्ड हर एंड वी बुकड एन ऊबर एंड रश टू हर शी वॉज सो काइंड कि उन्होंने अपना क्लिनिक खोला जस्ट फॉर हर शी केम रनिंग विथ ऑल हर यू नो सलाइन एंड एवरी थिंग एंड इवन द भैया देर सो येस एंड सीइंग हर टेकिंग द सलाइन वॉज वेरी वेरी पेनफुल हम लोगों को उसको दो बार ले जाना पड़ा एंड By God's grace, she revived after that. क्योंकि उसके पहले वो खेलना खाना सब बंद हो गया था You just could not see her in that condition and it's our first time. So yes, दो बार saline हुआ अगर वो revive नहीं करती that day after taking saline twice, basically in the afternoon and at night, we had to take her the next two days also. Basically, उसका छः बार saline पड़ता But that did not happen. Fortunately, she revived that very night. But उसके बाद we were like extra cautious about her. We could not understand what exactly happened to her stomach. And she was healing she was playing around and everything but uska kuch pooping issues tha so and it became quite persistent she was pooping every now and then which was definitely not normal and that was the time when auntie asked us if we could you know keep her with her for the next 3 days basically as an observation only then they could diagnose ki iska eating habits mein kya changes lana and all that and auntie was so kind she used to send me her videos and everything and keep us updated all the time because hum log jab isko chhod ke aa rahe the I was crying madly mom ko bhi rona aaya tha but she was consoling me so obviously she didn't shed her tears there but I just could not digest the fact ki wo ghar mein nahi rahegi but then her Health is our priority. We want her to be healthy first. So we left her there and she was pretty happy. She had new friends there. Auntie has a lot of cats and dogs whom she has rescued over time. So
फाइनली वी गॉट हर बैक एंड शी हील्ड. सो अभी उसका सिर्फ कैट फूड ही इज सूटिंग हर. सो नो फिश राइस नथिंग. इवन हर मिल्क इज ऑन अ हॉल्ट फॉर सम डेज. सो अभी उसका सेकेंड सेट ऑफ डिवॉर्मिंग के लिए भी 3 दिन के लिए वो आंटी के पास रहेगी. वी विल मिस हर सो सो मच. बट या आफ्टर दैट वी डोंट have to leave her with auntie, at least not for the next few months. So yes, but this baby is a lot better now, a lot better, and I'll be showing you some of her things. So last few days se usi ka saman aa raha hai Amazon se, her litter, her beds. Mom ordered 2 beds for her. You will not believe, the very night she came outside the door, jab hum log soche bhi nahi the usko pet bana ke rakhenge, maa ne sab kuch Amazon pe order kar diya tha, because deep down she apparently knew that she would be staying with us forever. So it is just so weird, and we all love cats and dogs. We feed cats, dogs, even the crows ever since lockdown started. But you know, I stay with my grandparents. My mother is a working woman, so ek pet rakhne se you need to look after them at least when they're small, right? So you just can't bring a pet and leave that pet like that. So we never ever thought ki hum log pet rakh payenge, but ye to aise hi aa gayi, and just we just could not let her go. So here's our first ever pet. I mean, yeah, I do have an aquarium. They were and are and always will be my pets, but ideally cats, dogs kabhi pehle nahi tha. Yes, mom had rescued one long back, but usko humne de diya tha because I was also very small. But here's our न्यूएस्ट फैमिली मेम्बर. बस उसको बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स भेजना कि वो अच्छे से बड़ी हो जाए, एंड उसका जो भी थोड़ा स्टमक कॉम्प्लिकेशंस या जो है वो सब ठीक हो जाए. शी इज़ अ लॉट बेटर नाउ. सो चलो उसके कुछ सामान देख लेते हैं. जस्ट फॉर प्लेइंग, वो इसके अंदर जाके सारे स्ट्रैटेजीज प्लान करती है. शी लव्स रनिंग आउट एंड गेटिंग इनसाइड इसमें, एंड दिस इज़ वन ऑफ हर टॉयज. बेसिकली इसके अंदर यू कैन पुट हर कैट फूड लाइक द ट्रीट्स एंड ऑल. सो खेलते खेलते एक गिरेगा एंड शी विल ईट. एंड ये और एक है फॉर च्यूइंग. उसका मुंह बहुत छोटा है, बट स्टिल शी ट्राइज. एंड एज फॉर द मिल्क, दिस इज़ द मिल्क जो वो खाती है. सो दिस इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंट. एंड अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए, सो यू जस्ट नीड टू विजिट एनी पेट स्टोर, दे विल गाइड यू थ्रू. एंड एज आई सेड, उसको डिवॉर्मिंग के लिए आंटी के पास भेजना है, तो इसमें उसके सारे दवाई मैंने पैक कर लिया है, लाइक इम्यूनोगार्ड, फिर डिवॉर्मिंग का जो मेडिकेशन है एंड ऑल. दिस इज़ लाइक हर ऑयल क्लॉथ, सो आई बी पुटिंग. ऑल्सो दिस इज़ लाइक हर फेवरेट टॉय विच मॉम गॉट हर फ्रॉम अमेजॉन. इनिशियली उसको बहुत डर लगा था, बट नाउ शी प्लेज विद दिस लाइक ऑल द टाइम. नींद से उठते ही शी प्लेज विद दिस. शी लव्स लव्स दिस. इसका एक टेल भी था मछली का, बट आई हैड टू थ्रो दैट बिकॉज शी ट्राइज ईटिंग इट. सो येस, एंड एज फॉर हर बेड, हियर शी इज़ स्लीपिंग इन वन ऑलरेडी. ओके, शी इज़ हाफ अवेक टू. एंड मम्मी का कपड़ा इसलिए है कि यू नो शी लव्स गेटिंग इन साइड इट. आई डो नॉट नो वाई. सो हियर इज़ द बेबी. दिस इज़ वन ऑफ हर बेड्स. दिस इज़ एक्चुअली वन ऑयल क्लॉथ विच मॉम गॉट फॉर हर. एंड दिस इज़ उसका बेड का कुशन, बट उसको ये एकदम पसंद नहीं है. Also, I'll show you, this is her litter. So you guys know cats need a litter for peeing and pooping. This gets cleaned every day. So, and ye yahan se wo khati hai. This is her cat food. Fun fact, mummy isme pooja ka pani rakhti thi, but Kochi drinks pooja ka hi pani, which is very strange. And okay, she just woke up. Hello mama, good morning. सो ये इसी का पानी वो पीती है. सो अपेरेंटली ये भगवान का जो बर्तन था, अभी ये कोची का बन गया है. मम्मी हर रोज़ पूजा करके इसमें उसको पानी दे देती है, एंड शी ड्रिंक्स. एंड इसके पहले वो पानी पीती ही नहीं थी. सो एंड ऑल्सो देयर इज़ वन मोर एक्चुअली, दिस वन. इसके बर्तन अभी धोने गए हैं. शी ईट्स फ्रॉम हियर एज वेल. सम ऑफ हर ट्रीट्स, बट अभी हम लोग ये उसको नहीं देंगे, उसका पेट ठीक होने के बाद ही देंगे. हर ग्रूमिंग ब्रश जो वो खाना समझ के इसको भी च्यू करती है. यस मम्मा. ओके, आई थिंक शी वॉन्ट्स टू बी इन द वीडियो. सो येस, दैट्स अबाउट इट. एंड या हर केज, आप लोगों को शायद लगेगा कि केज क्यों रखा है. इट इज़ बिकॉज यू नो नॉट एवरी टाइम पीपल आर देयर टू लुक आफ्टर हर. अभी तो मैं पूरा दिन उसको देखती हूँ एंड पूरा रात मम्मी देखती है आफ्टर यू नो वर्किंग एंड ऑल. बट समटाइम्स यू हैव टू पुट हर इन द केज एंड दे नीड टू बी डिसिप्लिन. वी डोंट केज हर एट ऑल. शी इज़ ऑलवेज रोमिंग अबाउट इन द हाउस, बट दिस इज़ हर केज वेयर शी स्टेज. समटाइम्स बहुत बहुत नखरा करती है.
बट येस एंड ऑल्सो दिस इज़ हर सेकेंड बेड, इसमें भी मैडम नहीं सोती है, शी लव्स दिस बेड जिसमें मम्मी सोती है. एंड या अभी तो मैं पूरा दिन उसको देखती हूँ, इसलिए मैं गाना वगैरह भी यहीं पर रिकॉर्ड करती हूँ. वो आके ऐसे ट्राईपॉड के पास बैठ जाती है, लेट जाती है. मे बी शी लाइक्स लिसनिंग टू मी, विच इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी. सो येस दैट्स अबाउट इट. हियर्स कोची फॉर यू गाइज. शी सेज हाई. I hope you guys like this vlog and you'll get to see a lot more of Kochi in my upcoming videos. Our life has completely changed ever since she has come. Where is she? Okay, there she is. Ever since she is here, मैं तो पूरा दिन उसको देखती हूँ. I'm fortunate कि मेरा college ख़त्म हो गया, इसीलिए I can look after her because mom works all day and रात को मम्मी को वो सोने तो नहीं देती है क्योंकि पूरा दिन के बाद मम्मी मिलती है. And yes, do like, comment, share if you enjoy and take care.